जो हम लोग कह रहे थे कि बिहार के लोग सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इन पढ़े लिखे लोगों में से मात्र 7% हम लोग हैं। जब भारत सरकार 2183 रुपये से धान खरीद करने का घोषणा करती है, लेकिन राज्यों में चुनाव में जहां वो 3100 और 3200 खरीदने की घोषणा करती है, ये विशेष सहायता है। राज्य का अगर दर्जा, मैंने कहा कि कोई तकनीकी बाधा हो, संवैधानिक बाधा हो, तो विशेष सहायता दिया जा सकता है। केंद्र के द्वारा जो निवेश है वह भी एक विशेष सहायता है। देखिए, बिहार में विशेष राज्य की दर्जे की अब मांग उठ रही है। कल कैबिनेट की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई है और इसको जो है कहीं ना कहीं मंजूरी मिल गई। अब बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी कोटे के विधायक जो हैं सुधाकर सिंह ने इस पर भी कहा है कि बिहार को तो विशेष दर्जा की ज़रूरत है। और जिस तरीके से नीति आयोग ने कहा था कि अब हम किसी तरह का किसी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं, उस पर भी कई सवाल खड़े किए हैं सुधाकर सिंह ने। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हम जिन क्षेत्रों में हम पिछड़ गए हैं, जैसे कि हमारे किसानों की आमदनी का सवाल है, हमारे जो कामगार हैं उनके सवाल हैं, या हमारी सड़कें और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा जो गैप है, या शिक्षा के क्षेत्र में हमारे उच्च शिक्षा में हमारे पास, आप तो देखे होंगे आर्थिक जनगणना में बिहार में मात्र 7% केवल ग्रेजुएट हैं, जबकि दुनिया के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि किसी देश को, किसी राज्य को बेहतर तरीके से चलाने के लिए न्यूनतम 30% आबादी को ग्रेजुएट होना चाहिए। कहीं बिहार के बारे में हमारी धारणाएं बदली? जो हम लोग कह रहे थे कि बिहार के लोग सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इन पढ़े लिखे लोगों में से मात्र 7% हम लोग हैं। स्वाभाविक है कि बिहार की तरक्की के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष सहायता की आवश्यकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष सहायता की आवश्यकता है। कानून अगर विशेष राज्य देने में अगर रोकता है, तो विशेष सहायता देने में नहीं रोकता। ये हमारे सामने उदाहरण है कि जब भारत सरकार 2183 रुपये से धान खरीद करने का घोषणा करती है, लेकिन राज्यों में चुनाव में जहां वो 3100 और 3200 खरीदने की घोषणा करती है, ये विशेष सहायता है। विशेष सहायता किसको मिलना चाहिए? जो सबसे कमजोर लोग हैं, और सबसे कमजोर लोग बिहार के लोग हैं, तो यहाँ मदद मिलना चाहिए। मिल किसको रहा है? जो सबसे ताकतवर लोग हैं। तो यहाँ पर डार्विन का सिद्धांत इस देश की राजनीति में है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। कमजोर के पक्ष में कोई नहीं खड़ा होना चाहता, सभी लोग ताकतवर के पक्ष में खड़ा होना चाहते हैं। इससे मोदी की गारंटी से यही पता चलता है बिहार को आवश्यकता है विशेष सहायता का और विशेष राज्य का अगर दर्जा, मैंने कहा कि कोई तकनीकी बाधा हो, संवैधानिक बाधा हो, तो विशेष सहायता दिया जा सकता है। केंद्र के द्वारा जो निवेश है वह भी एक विशेष सहायता है। आश्चर्यजनक रूप से केंद्र सरकार का सबसे ज्यादा निवेश महाराष्ट्र और गुजरात में, क्यों? जब राज्य वहां स्वयं सक्षम है, उनके पास आर्थिक ताकत ज्यादा है, तो वहां क्यों निवेश कर रही है भारत सरकार? भारत सरकार को निवेश करना चाहिए बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां कमजोर राज्य हैं, जहां ढांचागत सुविधाओं का भारी अभाव है, जहां शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक बदलाव, स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणात्मक बदलाव, सड़कों के रखरखाव के साथ कई ऐसे सवाल हैं जिस पर लोगों को विशेष सहायता की जरूरत है। एक सवाल सत्र के दौरान का, और केवल 2 सवाल ही मेरे उठाने के अधिकार थे। मैंने उसमें सवाल उठाया है और पत्र भी लिखा है। ये भी नहीं कि केवल मैं विधानसभा के भीतर ही मेरे अधिकार हैं। हमारे 3 तरह से अधिकार हैं। एक, हम पत्र के जरिए भी सरकार को सूचित करते, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके जरिए भी सूचित करते हैं सरकार को, और बिहार विधानसभा, चूँकि सत्र तो हमेशा मोशन में होता नहीं, सेशन में होता नहीं, वह तो एक बजट सत्र को छोड़ दे तो राज्यों की विधानसभाओं का दुर्दशा है इस देश में, जहाँ केवल 4 दिन का सत्र 2-2 बार होते हैं, जबकि सवाल हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं राज्य के लोगों का। मैंने धान जो आप देखे होंगे, बेमौसम बारिश हुआ था, इसे भारी नुकसान हुआ था धान का खेती, मैं उस पर भी विधानसभा में सवाल किया था, तो लगातार हम सवाल करते। तो आपने सुना किस तरीके से सुधाकर सिंह ने तमाम बातों को कहा है कि बिहार के किसान भी काफ़ी कमज़ोर हैं और तमाम बिहार के जो आर्थिक स्थिति है वो भी काफ़ी कमज़ोर है। बिहार सरकार को इस पर कहीं ना कहीं और केंद्र सरकार को इस पर संज्ञान लेना जरूरी है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे।